आपको बता दें, आज 19 अगस्त 2022 जन्माष्टमी का दिन है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होती है, व्रत रखे जाते हैं, महोत्सव होते हैं, जिनसे कि श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करते हैं। आपको बता दें, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के भक्त पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत करते हैं और मध्य रात्रि में भगवान को पंच अमृत का भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कई बार लोगों से जाने अनजाने में बड़ी गलतियां हो जाती है। आइए जानते हैं वो बड़ी गलतियां आखिरकार क्या है जो व्रत करते समय आपको ध्यान रखनी है। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उनके भक्त पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत को करते हैं और मध्य रात्रि में भगवान को पंच अमृत का भोग लगाते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण की पीठ, पहली जो आपको गलती नहीं करनी है। ज्योतिष विदों का कहना है कि मंदिर में भूल कर भी श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन कभी भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दे, श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण की पीठ पर अधर्म का वास होता है, जिसके दर्शन से अधर्म बढ़ता है। मायावी असुर काल्यवन के पुण्य को समाप्त करने के लिए भी श्री कृष्ण को उसे पीठ दिखानी पड़ी थी। दूसरी गलती, तुलसी के पत्ते। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। श्री कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज्यादा प्रिय है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी कराया गया था। तीसरी गलती आपको जो नहीं करनी, चावल से परहेज करना है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी के दिन चावल के सेवन से परहेज करना चाहिए। जन्माष्टमी की तरह एकादशी पर भी चावल या जौ से बनी चीजें खाने की सलाह दी जाती है। आपको बता दे, लहसुन प्याज जो आपकी चौथी गलती है, ये कभी नहीं दोहरानी। जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा पान से भी दूर ही रहे। आप जल आहार या फल आहार के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत धूमधाम से रख सकते हैं। पांचवी गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, काले रंग की सामग्री। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को काले रंग की कोई भी सामग्री आप अर्पित ना करें। साथ ही काले कपड़े पहनकर भगवान की पूजा भी ना करें। काले रंग का प्रयोग आमतौर पर अशुभ और शोक का प्रतीक माना जाता है। ये पांच गलतियां जो आपको जन्माष्टमी के दिन नहीं दोहरानी है। भले आप व्रत करें या ना करें, फिर भी इन चीजों का, इन पांच गलतियों का आप परहेज करें, ताकि आपके भी परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि हो सके और भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न हो सके। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।